हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ABS और EBD के बारे में। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप में से बहुत कोई को तो पहले से पता ही होगा कि ABS और EBD क्या होते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि आज इन दोनों पे एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इनके बारे में और डिटेल्स में बताया जाए। तो अगर आपको सभी डिटेल्स जानने हैं तो एंड तक ये वीडियो देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ABS के बारे में। तो दोस्तों, ABS जो होता है वो होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो अगर हम लोग एक नॉन ABS कार को एक ABS कार के साथ कंपैरिजन करें तो उनमें ये डिफरेंस होता है। अगर मान लीजिए आप कभी भी एक ऐसा पैनिक सिचुएशन होता है आपके साथ, तो आप उसमें क्या करते हैं, आप पूरी फोर्स के साथ ब्रेक पेडल को हिट कर देते हैं। उससे हिट करने से क्या होता है, नॉन ABS कार में आपकी टायर्स की लॉक होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और अगर टायर लॉक होगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर टायर लॉक हो जाएगा दोस्तों, तो आपका टायर का पूरा ग्रिप रोड के साथ ख़त्म हो जाएगा, जिससे ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगी और आप अपना स्टेयरिंग से भी कंट्रोल खो बैठेंगे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते हैं ABS, और इसका फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। ये सिस्टम क्या करता है कि आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप किसी भी सिचुएशन में सिर्फ ब्रेक लगाइए और बाकी का काम ABS अपने आप कर देता है। ये टायर्स को लॉक होने से प्रिवेंट करता है, और अगर आपके टायर्स लॉक नहीं होंगे तो वो अपने रोड के साथ ग्रिप बिल्कुल बनाए रखेंगे और आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस एकदम मिनिमम रहेगा, जिसके वजह से एक्सीडेंट के चांस भी बिल्कुल मिनिमम रहेंगे। अगर आप ABS वाली कार या बाइक कहीं पर भी चलाइए, वेट सरफेस, स्लिपरी सरफेस, तो आपके टायर लॉक नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपके रोड के साथ बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा और ये एक्सीडेंट को एकदम मिनिमम रखता। तो दोस्तों, ABS का फंक्शन सिर्फ यही है कि वो टायर को लॉक होने से बचाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक बहुत छोटा सा काम करता है, तो नहीं दोस्तों, ये बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। अगर आप कभी भी कार 5 लाख के ऊपर रहे तो हमेशा कंसिडर करिए कि उसमें ABS ज़रूर हो, क्योंकि ABS एक ऐसा फीचर है कि आप जब जब ब्रेक पेडल दबाएंगे तब तब आपको हेल्प करेगा। ये एयरबैग EBD सबसे ऊपर बैठता है। तो दोस्तों, ये था ABS के बारे में एक छोटा सा डिटेल्स। अब हम लोग बात करते हैं EBD के बारे में। तो EBD जो होता है, ये भी एक ब्रेकिंग सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी अगर हम लोग वैसे ही देखें कि अगर आपके कार में EBD नहीं है और एक कार में EBD है तो क्या अंतर होगा। जैसे मान लीजिए आपकी कार में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या EBD नहीं है, तो आप जब ब्रेक मारते हैं तो टायर में हर जगह अलग अलग प्रेशर से अमाउंट में ब्रेक डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए आपके दो टायर में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और पीछे दो में ड्रम ब्रेक है, तो आप जैसे ब्रेक मारेंगे तो उसमें अलग अलग टायर में अलग अलग टाइप के ब्रेक फोर्स, मतलब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसके वजह से आपका कार का बैलेंस काफ़ी गड़बड़ा जाता है। जैसे आपने पिक्चर्स या मूवीज़ में देखे होंगे, अचानक से ब्रेक मारते तो कार बिल्कुल आगे की तरफ झुक जाती है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेक फोर्स का प्रेशर है वो दोनों आगे के ही चक्कों में पूरा बैठ जाता है। तो इससे क्या होता है, आपका कार पूरा सामने से पलट सकता है या फिर अपना बैलेंस खो सकता है। तो इसी को प्रिवेंट करने के लिए एक सिस्टम बना EBD, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो ये सिस्टम क्या करता है कि अगर आपके सिस्टम में, कार में ये सिस्टम हो, तो ये आपकी कार की ECU के साथ पहले से कैलकुलेट कर लेता है कि कौन टायर में कितने अमाउंट का ब्रेक फोर्स जाना चाहिए, कितने प्रेशर में जाना चाहिए। तो आप, क्योंकि कार में हमेशा लोड अलग अलग टाइप का होता है, कभी उसमें एक बंदे बैठे रहते, कभी दो बैठे रहते, कभी पूरा फैमिली बैठे रहता है, या फिर पूरा लगेज के साथ कोई कभी कभी आप लोग ट्रेवल करते हैं। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि आपको सभी टायर में एक ही प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो EBD क्या करता है, आप कोई भी केस में चलाइए, वो गाड़ी का ECU के साथ ब्रेक फोर्स को पहले से कैलकुलेट करके ब्रेक प्रेशर को जिस जो टायर में जितने अकॉर्डिंग चाहिए उसके हिसाब से पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ABS और EBD ये दोनों ही काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। अगर आप, मैंने जैसा शुरू में भी बताया, अगर आप कभी भी 5 लाख के ऊपर कार ले तो हमेशा देखें कि ABS तो ज़रूरी हो, और अगर उसमें ABS विथ EBD में रहा तब तो और ही अच्छा है। जैसे कि आप एग्जांपल दे देता हूँ, आप बलेनो लेंगे तो उसमें आपको ABS विथ EBD स्टैंडर्ड मिलेगा, चाहे आप लोअर वेरियंट लीजिए चाहे वो आप टॉप एंड वेरियंट लीजिए। लेकिन वही अगर आप Hyundai की कार्स के बारे में बात करें तो आपको उसमें सिर्फ ABS मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ABS में अगर EBD नहीं है तो ABS बेकार है, नहीं, ABS भी काफ़ी अच्छा EBD के ऊपर आता है। तो आप कभी भी 5 लाख की कार ऊपर लीजिए तो आप हमेशा देखिए कि उसमें ABS ज़रूर हो और EBD भी ज़रूर हो,
क्योंकि EBD आजकल सभी कार में नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्टली 90% कार में आपको EBD भी आने लगे हैं। तो दोस्तों ये दो जो ब्रेकिंग फीचर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है, आपको ब्रेकिंग में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप कभी भी देखिए कि आपको सेफ्टी क्या मिल रही है। तो आप जब भी, मैंने जैसे बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी कार लीजिए 5 लाख के अबव, तो आप उसमें देख लीजिए कि मेरे को ये दोनों सेफ्टी फीचर मिल रहा है कि नहीं, नहीं तो अदरवाइज आप अपने कार को चेंज कर लीजिए, मतलब अपने दूसरे कार पे आप शिफ्ट हो जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा डिटेल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।